हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा नवंबर मंथ ट्रिप प्लान। अगर आप नवंबर मंथ में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है और आपको किस तरह यात्रा की तैयारी करनी है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सभी जानकारी देने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा नवंबर के महीने में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस टाइम सितंबर का महीना चल रहा है और फिर अक्टूबर आएगा और उसके बाद नवंबर आएगा। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवंबर के महीने में अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि इस बारी जो केदारनाथ धाम के कपाट हैं वो 15 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट हर साल भाई दूज को ही बंद होते हैं और इस बार यानी 2023 में जो भाई दूज है वो है 15 नवंबर को। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नवंबर मंथ में जाने की है। मुझे भी देखिए, नवंबर मंथ में ही अपनी यात्रा करनी है तो मैंने तो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और अपनी तैयारी से जुड़े हर वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे दे रखे हैं। आप चाहें तो मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसे मैंने रूम बुकिंग, बस बुकिंग, यात्रा का रजिस्ट्रेशन और रूम की सभी जानकारी दे रखी है। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो मैं अपने इसी वीडियो में उन सब टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जिससे मैं आपको नवंबर मंथ में यात्रा करने की पूरी जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर मंथ में वहां का मौसम कैसे रहने वाला है और आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी एक डेट फिक्स कर लेने की, हमको इस तारीख को केदारनाथ धाम पहुँचना है। सपोज करिए आपको 6 तारीख को हरिद्वार से निकलना है, तो आपको 5 तारीख में हरिद्वार आना होगा। 6 तारीख में आप हरिद्वार से निकलेंगे और 6 तारीख में आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे। फिर आपका एक स्टेज सोनप्रयाग के गौरीकुंड होगा और 7 तारीख में आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो इस तरह आप अपनी डेट को डिसाइड कर लीजिए। डेट फिक्स करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यात्रा का रजिस्ट्रेशन देखिए, आप इस वेबसाइट पर आके कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर किस तरह यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से जुड़े काफ़ी वीडियो मैंने यहाँ अपलोड कर रखे हैं। आप केवल मेरे इस चैनल पर आके देखिए, मैं आपको फिर भी वीडियो दिखा देता हूँ मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने देखिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने ग्रुप आईडी केदारनाथ धाम के लिए बनाने की जानकारी दे रखी है। आप मेरे इस वीडियो को देख के अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। अगर आप देखिए सोलो जाना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से जाइए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस की बुकिंग नवंबर मंथ के लिए खुल चुकी है, मैंने खुद अपनी बुकिंग की है, उससे जुड़ा देखिए वीडियो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया, जिससे मैंने अपनी खुद की बुकिंग करके दिखा रखा है, वो भी नवंबर मंथ के लिए। तो अगर आप बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप यहीं आके बुकिंग करेंगे तो यकीन मानिए नवंबर मंथ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। बस की बुकिंग होने के बाद अब बारी आती है कि आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो देखिए, जो नवंबर का महीना होता है उस टाइम आपको वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। इस बारी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है नवंबर मंथ में वहाँ स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि कपाट इस बारी काफ़ी लेट बंद हो रहे हैं। वरना हर साल जो कपाट हैं अक्टूबर मंथ में बंद होते हैं, लेकिन इस बारी 15 नवंबर को बंद हो रहे हैं, तो आपको वहाँ स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। और अगर वहाँ स्नोफॉल हुई तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। तो आपको एक वाटरप्रूफ जैकेट अपने साथ रखनी है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग शूज अपने साथ रखने हैं, जो कि वाटरप्रूफ होंगे। उसका फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अपने साथ रखने चाहिए, जैसे कि एक टॉर्च हो गई और इलेक्ट्रोड का एक पैकेट हो गया, पावर बैंक हो गया, और कुछ आपकी ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो
हमारा कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है। मैंने आपको जितने प्रोडक्ट दिखाए उन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके उन प्रोडक्ट को अभी से ही ऑनलाइन बहुत ही कम प्राइस में अपने पास मंगा सकते हैं। और जब आपके प्रोडक्ट आपके पास आ जाए तो आप कम से कम एक हफ्ता पहले ही अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कुछ सामान छूट जाता है तो फिर आपको यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस सिचुएशन में आपको जैकेट के साथ साथ टोपा, दस्ताने, ये सब चीज़ें भी रखनी है ताकि आपको वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। बाकी लिस्ट मैंने पूरी नीचे दे दी, आपको उसमें हर वो चीज़ मिल जाएगी जो कि आपकी यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी बस की बुकिंग हो गई और आपने अपनी यात्रा के लिए बैग को पैक कर लिया। अब बारी आती है कि आखिर हमें कहाँ रुकना है, क्या करना है और किस टाइम अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो देखिए जिस दिन आप हरिद्वार से निकलेंगे, हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में लगभग आपका 8-9 घंटा लग जाएगा। आप या तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं या फिर आप गौरीकुंड रुक सकते हैं। अब मैं बात करूँ ऑनलाइन रूम की, तो ऑनलाइन तो देखिए आपको केवल सोनप्रयाग में ही डोमेट्री मिल सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ गौरीकुंड की तो गौरीकुंड में आपको नवंबर के महीने में कोई भी डोमेट्री नहीं मिलेगा और ना ही आपको केदारनाथ धाम में जो गढ़वाल वालों का होता है, गवर्नमेंट का होता है, वो डोमेट्री नहीं मिलने वाला। हालांकि जब आप सोनप्रयाग जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चाहे तो डोमेट्री में रह सकते हैं, चाहे तो रूम भी ले सकते हैं, लेकिन रूम का किराया थोड़ा वहाँ महंगा होता है। मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि आप गौरीकुंड रुकिए, लेकिन गौरीकुंड आपको नहीं मिलता तो आप फिर सोनप्रयाग भी रुक सकते हैं और फिर सुबह जल्दी सोनप्रयाग से निकल सकते हैं। लास्ट ईयर मैं गया था केदारनाथ धाम तो मुझे गौरीकुंड नहीं मिला था, तो मैं सोनप्रयाग रुका था और वहाँ मात्र मुझे 300 रुपये में डोमेट्री मिल गया था, जिसकी जानकारी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और फिर मैं सोनप्रयाग से रात को लगभग 2 बजे के आसपास निकल गया था और मैंने 3 बजे अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी और 11 बजे के आसपास में केदारनाथ धाम पहुंच गया था। तो अगर आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड स्टे करने वाले हैं तो आपको जल्दी ही अपनी यात्रा की शुरुआत कर लेनी है, क्योंकि आप जितना जल्दी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे उतनी कम थकावट आपको होगी और उतना जल्दी आप केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। फिर आपके पास बहुत टाइम होगा केदारनाथ धाम में घूमने का, भगवान के दर्शन करने का और भी चीज़ें करने का। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। केदारनाथ धाम की जब आप पैदल यात्रा करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इससे जुड़ा वीडियो भी देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिससे मैंने पूरी की पूरी टिप्स दिखा रखी कि यात्रा पैदल यात्रा के दौरान आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको अपनी यात्रा करनी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को देख के बहुत ही आराम से अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल कर सकते हैं। तो यात्रा पैदल करने के बाद जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो वहां आपको डोमेट्री भी मिल जाएगा, आप चाहें तो टेंट भी मिल जाएगा। अधिकतर देखिए वहाँ टेंट के ऑप्शन ज़्यादा हैं जो डोमेट्री है। डोमेट्री आपको 1000 से 2000 के बीच के आसपास मिलेगा और अगर मैं बात करूँ टेंट की तो टेंट आपको 800 से 1000 के आसपास मिलने वाला है। आप चाहें तो GMVN का टेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट पे आइए। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ प्राइस लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वेबसाइट का एड्रेस है yatraikan.in। आप यहां प्राइस लिस्ट पे क्लिक करिए और देन आपको यहां देखिए रूम बुकिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। रूम बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां सबसे नीचे आना है और यहां आपको देखिए GMVN केदारनाथ धाम रूम बुकिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा और इसी के अंदर देखिए मैंने सारे के सारे लिंक लगा रखे हैं। अगर आपको मान लिया सोनप्रयाग रुकना है तो उसकी बुकिंग भी आप अभी से ही कर सकते हैं। गौरीकुंड रुकना है तो उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी गौरीकुंड के आसपास की जगह भी देखिए मैंने यहाँ दिखा रखी जो कि है जंगल चट्टी, भीमबली, ये रास्ते में पड़ती है। सपोज करिए आपको गौरीकुंड नहीं मिला और आप गौरीकुंड जल्दी पहुँच गए तो फिर आप अपना जंगल चट्टी भी अपना बुकिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो भीमबली भी कर सकते हैं। भीमबली वो जगह है जहाँ आपका लगभग आधा रास्ता कवर हो जाता है, तो आप नाइट होल्ड यहाँ करिए और सुबह अपना जल्दी निकलिए। आई थिंक आप 9 बजे तक आराम से केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। बाकी केदारनाथ धाम के लिए देखिए मैंने स्वर्ग ओढ़नी में दिखा रखा है जो कि 500 मीटर की दूरी पर, लेकिन आपको इसके अंदर रूम नहीं मिलने वाला, डोमेट्री नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फरवरी के महीने में पूरा हो चुका है, यानी फुल हो चुका है।
लेकिन आपको यहाँ हिमलोक टेंट कॉलोनी है, ये भी 500 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप में। डोमटी आप ट्राई कर लीजिए, डोमटी नहीं मिलेगा लेकिन आपको यहाँ टेंट मिल जाएगा। तो ये सभी लिंक देखिए मैंने यहाँ लगा रखे हैं और इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। तो जब आप केदारनाथ धाम पहुँचें ऑनलाइन आप रूम बुक करिए और वहाँ स्टे करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ के दर्शन करिए। उसके बाद वहाँ ऊपर आपका भैरवनाथ का मंदिर भी है, वो भी ज़रूर आप घूम के आइए। केदारनाथ धाम से भैरवनाथ के मंदिर जाने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, उस मंदिर को घूमना ना भूलिए। जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो केदार घाटी को पूरा घूम के भगवान की उस भक्ति का एहसास करिए जो वहाँ मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा जो नवंबर के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आपके मन में यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।